सॉरी। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका D&T प्लान के एक और नए वीडियो में। और आप सोच रहे होंगे कि मैम ने हाथ में क्या ले रखा है, ये पॉलिथीन टाइप का कुछ ले रखा है। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं इसी पॉलिथीन को कैसे बनाया जाता है और ये कैसे आप तक पहुंचने वाली है, इसी का पूरा फुल वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक और बढ़िया सी मशीन, जिसे आप देख रहे हो हमारे पीछे कितनी बड़ी मशीन यह होने वाली है। और बहुत ही बेस्ट आर्टिकल के साथ में भारत सरकार ने मान्यता दी हुई है कि इस तरीके की पॉलिथीन बैग्स आप बना करके मार्केट में सेल कर सकते हो, क्योंकि ये मशीन ये होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त। और इसका प्रोडक्ट होने वाला है इको फ्रेंडली, जो कि हम इंसान के लिए तो बहुत ही बेस्ट होने वाला है, साथ में हमारे जीव जंतु, हमारे गाय भैंसे, उनके लिए भी बेस्ट होने वाला है। बट वो कैसे बेस्ट होगा से पूरी डिटेल मैं अपने वीडियो में यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलते हैं मैम के पास में। हेलो मैम, आपका वेलकम है जी हमारी इस पन्नी के साथ में। तो बताइए क्या है ये और ये कैसे बन के तैयार होगी और हमारे कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी? जी मैम जरूर, जैसा कि आप जानती हैं कि मार्केट में आपको पॉलीथीन बैन हो चुकी है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलीथीन पूरी तरीके से बैन करवा दी चुकी है। तो ये हमारा होगा बायोडिग्रेडेबल, जिससे आपका ये बैग बन के तैयार होता है। इसकी मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड हुई, जब से वो बंद हुई है पॉलीथीन तब से आपको ये बायो की बैग बन रही है। तो मैम इसको बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ, आप देख सकते हैं जिसका नाम है मोनोलेयर, ये हमारा बायोडिग्रेडेबल प्लांट है। तो ये हमारा मोनोलेयर हो गया और ये आप देख सकते हैं ये आपका हॉपर है। इसमें आपको मटेरियल डालते हैं जो पीबेट और फिलर दोनों को मिक्स करके आप इस हॉपर में डाल सकते हो। इसमें आप डालोगे, आप ये देख सकते हो, इसमें आप मटेरियल भी आप डाल, देखो ये आपका रॉ मटेरियल हो गया निकल नहीं रहा छोटा। तो मैम जैसे कि हमें पता है प्लास्टिक बैन है, तो ये दिखने में तो प्लास्टिक ही है, पर देखो मैं यहाँ पे पढ़ भी पा रही हूँ कि ये लिखा हुआ है मेड ऑफ कॉर्न, यानी कि कॉर्न से बना हुआ, ये भुट्टे से बना हुआ है। जी मैम ये मक्के से बनता है, जो हम छल्ली खा के फेंक देते हैं उसका जो कुकर होता है, और इसका कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा इससे। आप जो पहले वाली पॉलीथीन जो प्लास्टिक होता था उससे आपका बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल जाता था, और ये आपको 3 मंथ में आपको पिघल जाएगा। ठीक है, नाली में अगर ये जाता बहुत ज्यादा जो कचरा हो जाता है उससे तो आपको बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल जाता था, बट ये अगर नाली में जाता है तो आपको 3 मंथ में आपको पिघल जाएगा, बिकॉज नाली के अंदर जो मीथेन गैस होती है उसके जरिए ये पिघल जाएगा। और ये सबसे बेस्ट चीज है कि इको फ्रेंडली है, हमारे जो भुट्टे से ये बनी हुई है, जो भुट्टे का नीचे का जो छल्ली का निकलता है खूखर कहते हैं जिसको हम, उसी का ये मशीन के जरिए हमने यहाँ पे पॉलीथीन तैयार किया हुआ है। इस पॉलीथीन में आप गार्बेज पॉलीथीन बना सकते हो, सब्जी मार्केट के लिए यूज कर सकते हो, सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेकर जा सकते हो, आपकी चीजें फ्रेश रहने वाली हैं, बहुत ही बेस्ट तरीके से होने वाला है। ये तैयार कैसे होगा, बनेगा कैसे, कुछ प्रोसेस बताइए मुझे। जी मैम, जो हमारा पीबेट और फिलर है दोनों मिक्स करके बनता है, आप इसमें डालोगे, ये हमारा हॉपर है, जब आप इसमें डालोगे तो ये हमारा हीटिंग का काम करेगा। आप ये देख सकते हो जब यहाँ से वो हीट होगा तो ऐसे रोल बनेंगे, ये हमारा बलून की तरह से ऊपर की तरफ से जाएगा, देख सकते हो ये जब ऊपर जाएगा तो वहाँ आपका रोल बनेगा। जी मैम आप देख सकते हो वहाँ आपका ये रोल बनेगा। अच्छा जी, जब यहाँ से आपका बन जाएगा फिर आप यहाँ से इसकी सीलिंग कटिंग की काम होगी, जैसे यहाँ से आपका रोल बनके तैयार हो जाएगा तो सील करने का काम करेगा। मैं कैसे बताऊँ, ये आप देख सकती हैं जो हमारा रोल है ये आपको सीलिंग कटिंग हो जाएगी, और वो आप देख सकते हो हमारा पंचिंग मशीन है। ठीक है, तो मैम इसमें कितने भी इंच की बड़ी पन्नी छोटी पन्नी बना सकते हैं? जी मैम, जी मैम आप वहाँ से बना सकती हैं, आप ये देख सकती हैं ये हमारा पैत, ये अपने इंच के अनुसार आप यहाँ से बना सकते हैं, देख सकती हैं आपको इतना इसकी चौड़ाई भी अगर आप चाहोगे तो इससे आप चौड़ाई भी बना सकती हैं। वो सेट करना पड़ता है मशीन के अंदर सारा चीज? जी ठीक है, हम आपको बताते हैं कि आप अपनी पॉलीथीन को बड़ा बना सकते हो, चौड़ा बना सकते हो, लंबा बना सकते हो, उसके लिए साइज को आप सेट कर सकते हो पैनल मशीन के जरिए में, और भी काफी चीजें यहाँ पे काम होती है। तो मैम बताते चलिए मुझे थोड़ा और कुछ। मैम ये जब आपका यहाँ से आप रोल निकाल, जब ये आपका यहाँ से एक रोल निकल के तैयार हो जाएगा तो वो आप हमारा देख सकते हैं सीलिंग कटिंग मशीन, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारी कौन सी मशीन है? सीलिंग कटिंग मशीन। सीलिंग कटिंग जी, यहाँ से आपका जब वहाँ से रोल निकलेगा तो ये हमारा सिलाई करने का काम करता है, आप देख सकते हैं सीलिंग कटिंग मशीन, यहाँ से आपका पूरा सिल के ये तैयार करेगा। ये हमारा एक पंचिंग मशीन है जिससे आप यू कट, डब्लू कट, डी कट जो भी आप बनाना चाहती हैं आप बना सकते हैं, जैसा कि देख सकती हैं आप डब्लू कट है, डब्लू कट है भैया, इस तरह की कट, इसको कहते हैं डब्लू कट। आप यू कट लेना चाहते हो, बी कट लेना चाहते हो, वो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो भैया, जिस तरह का कट आप लेना चाहते हो आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें काम कर सकते हो। प्लस ये मशीन लेकर गया कोई बंदा, ठीक है लेकर गया, उसने मशीन से प्रोडक्शन भी करा, बनाया भी, अब वो सेल करने में दिक्कत आ रही, क्योंकि आपको पता है धुरंधर लोग बैठे हैं इस पॉलीथीन को बेचने के लिए, जी कहने के लिए कि मतलब एक तरीके से है कि गवर्नमेंट ने बंद तो कर दिया लेकिन पॉलीथीन माफिया बैठे हुए हैं,
नीचे से टेबल के नीचे से बेचते हैं जी, तो उनसे बचने के लिए हमारे इस प्रोडक्शन को कैसे, मतलब प्रोडक्ट को हम कैसे बेचे वहाँ पर? मैम सबसे पहली बात की इसके बारे में आपको उनको बताना होगा, समझाना होगा कि इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, इससे आपको कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। वो जो पॉलीथीन से बहुत ज्यादा प्रदूषण भी फैल जाते थे, और ये जो आपका प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाएगा। आपको ये पता है कि नाले में मीथेन गैस पाई जाती है, आपको 3 महीने में पिघल जाएगा जी। तो उनको अपने अकॉर्डिंग पूरी तरीके से बात समझानी पड़ेगी, तब जाके उनको समझ में आएगा। तो लोगों और सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई भी आप बिजनेस करते हैं यहाँ से, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 35% की सब्सिडी मिलती है। अच्छा। और इसका प्रोडक्शन पर घंटे का आपको 60 से 70 से 80 केजी आपको ये बना के तैयार करती है। 70 से 80 केजी एक घंटे में? जी मैम। चलो बहुत बढ़िया है ये। अच्छा ये बताओ, ये सब्सिडी लेडीज के लिए जेंट्स के लिए अलग अलग मिलता है? जी जी मैम, अगर लेडीज लेती है तो उनके लिए 35% की सब्सिडी मिलती है, और अगर जेंट्स लेते हैं तो उनको 25% की सब्सिडी मिलती है। चलो, और कोई भी मशीन लेते हैं, कोई भी बिजनेस करना शुरू कर, बिजनेस अपना करना चाहता है, तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ, ये आपको 1 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विस मिलती है। चलो ठीक है, फ्री सर्विस मिलेगी। इंडिया के किसी भी कोने से आप मशीन को खरीदारी कर सकते हो और आपको 5 साल की फ्री सर्विस मिल जाएगी। इसमें कुछ भी खराबी या कुछ भी दिक्कत है, कंपनी आपको पूरा सहयोग देने वाली है। कंपनी की तरफ से आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो कोई भी मशीन लेना, तो सिर्फ स्क्रीन के दिए गए नंबर पे आप कॉल करो। हाँ, अगर आप विजिट कर सकते हो तो आप जब विजिट करोगे तो मैं आपको सारी मशीन दिखाऊंगी, प्लस लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, साथ में वीडियो में भी आप देख रहे हो कि डेमो में किस तरीके से काम हो रहा है, प्लस बात करते हैं इसकी अमाउंट की। भाई कितने अमाउंट में मिलेगा ये? मैम अगर हाफ प्लांट लेती हैं तो आपका 5 लाख से स्टार्ट है। हाँ, अगर आप फुल प्लांट लेती हैं तो आपको 10 लाख से स्टार्ट है फुल प्लांट में। जी मैम। अभी बताओ उसमें मेन पावर कितनी लग जाएगी फुल प्लांट के लिए? ये आपका 3 फेस है मैम। 3 फेस जी। बिजली पे चलती है ये? नहीं, ये घर की बिजली से बिल्कुल नहीं चलेगी। ये आपका 3 फेस है, प्लस आपको इसके लिए 1000 फीट स्क्वायर चाहिए जगह। हाँ जी। और ये आपकी लंबाई आप देख सकते हैं 20 फीट है। ठीक है जी। तो इस तरीके आपको जगह की अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है, बड़ी लंबी चौड़ी आपके पास जगह है, तो इस तरह का प्लांट आप खड़ा कर सकते हो और वहां से इस तरह की पॉलिथीन बैग्स आप तैयार करके अपने लोकल मार्केट में आप बात कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो वहां पर। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, आप वहां की जो लोकल जनता है या जो किराने वाले हैं उनके पास जा करके इसके बारे में डीपली जानकारी देनी पड़ेगी। कॉस्टिंग प्राइस क्या जा रहा है आजकल मार्केट में इस पन्नी का? मैम मुझे पूछना है कि ये मशीन से जो भी प्रोडक्शन बन के जाएगा, माल तैयार उसकी लागत वगैरह क्या जाएगी, प्लस हम अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे? आई मीन टू से होलसेल में अगर देना चाहते तो क्या प्रोसीजर है, कितना प्राइस है? मैम ये देख सकते हैं जो आपका ये बैग बनता है, ये आपको 130 रुपए बन के तैयार होता है। जैसे कि आप देख लो, इसमें आप लेबर चार्ज जोड़ लो, प्लस रॉ मटेरियल आप लाते वो ऐड कर लो, प्लस जितना भी बिजली कन्वर्जन कॉस्ट है वो, तो ये सब चीजें जोड़ के आप देखती हैं, तो ये आपका 130 रुपए में ये पूरा बन के तैयार होता है, जिससे आप होलसेल में आप 170 रुपए में सेल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको रिटेल में सेल करना है तो आप 250 या 230 तक आप सेल कर सकती हैं। ठीक है जी। मैम होलसेल प्राइस में अगर काम करते हो तो वहाँ पे आप मोटा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि कट्ठे आपका काफी सारा जा सकता है। आप अपने कंटेनर को बना सकते हो, या 1 किलो का बना लो, 2 किलो का बना लो, उस हिसाब से आप इसमें रेट को इंक्लूड कर लीजिए, अपना जितना भी आपका खर्चा लगा उस हिसाब से। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स साइट पर हैं, जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी साइट पर है, या मीशो जैसी साइट पर अपना बिजनेस रन कर रहे हो और वहाँ पर अपने इस प्रोडक्ट को लेकर जाते हो, तो वहाँ पर भी अपन अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन उठा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जनता, इवन मैं भी ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ और अपने घर के लिए चीज़ें खरीदारी करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मार्केट में जा जाकर चीज़ों को एक ही चीज़ें जा जाकर वहाँ पर लूँ। तो ऑनलाइन आप विजिट कर कर भी अपने बिजनेस को यहाँ पर ग्रो कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत भारी मुनाफा आप कमा सकते हो, और ऑफलाइन तो आपके लिए है ही, अपने लोकल एरिया में जाकर भी आप सेल कर सकते हो। सो मैम और कुछ डिटेल मशीन के बारे में? अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन के दिए गए नंबर पे आप सिर्फ कॉल करो, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहती थी, देखिए इस पे इतना काफी मोटा पैसा लगता है इसके। जी मैम, कितने की मशीन होने वाली है? मैम अगर आप हाफ प्लांट लेते हो तो 5 लाख की पड़ेगा, फुल प्लांट लेते हो तो आप 10 लाख की पड़ेगी। तो भाई 5 लाख और 10 लाख रुपया अगर आप लगा रहे हो, तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप विजिट कीजिए मशीन के लिए, यहाँ पर पता कीजिए भाई कैसे काम होता है, क्या क्या होता है। मैं तो कहूंगी खुद चलाकर भी देखो भैया, जब तक आपके मन की संतुष्टि ना हो आप आगे फैसला ना करें। आप मेहनत करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो और अपना कीमती पैसा ऐसी मशीन पे लगा रहे हो, तो यहाँ पर जरूर विजिट कीजिए। आपको एक नहीं दसियों मशीनें यहाँ पर मिलने वाली है और दसियों तरीके के बिजनेस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सो आई होप हमारी वीडियो को समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आएंगी, पसंद आई होंगी, आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडिया ज़रूर आ रहे होंगे। आप उन आइडिया को हमारे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर हमें बताइए कि क्या लगा, कैसे लगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टिल देन बाय बाय।